और दोस्तों देख सकते हो अभी पूरा यहाँ पे काम चल ही रहा है चिंच पोकली चार राजा के पंडाल का। ये देखिए भाई, देखिए पूरा अभी काम चल ही रहा है। देखिए चिंच पोकली चार राजा का यहाँ पे मुकुट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू डे, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ चिंच पोकली चार चिंतामणि चार राजा का पंडाल का डेकोरेशन, जो कि देख सकते हो भाई मेन गेट के सामने मैं खड़ा हूँ। ये देखिए, तो चलिए मैं अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को और इनका पूरा यहाँ का सारा सा कुछ डेकोरेशन दिखाता हूँ। और दोस्तों ये देखिए चिंच पोकली चार चिंतामणि चार राजा के पंडाल के मेन गेट पे मैं खड़ा हूँ, जो कि भाई सामने आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेन गेट के मैं अंदर चलता हूँ और अंदर चल के आप लोगों को यहाँ का डेकोरेशन वीडियो फुल दिखाता हूँ। देखे तो भाई ये देखिए, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करता हूँ, जो कि देखे तो भाई ये देखिए मेन गेट पर हूँ मैं। ये देखिए और ऊपर आप लोग देखे तो पढ़ सकते हो चिंच पोकली चार चिंतामणि चार राजा चिंच पोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल। ये देखिए भाई, तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के आप लोगों को ले चल के अंदर का सारा सब कुछ दिखाता हूँ। देखो तो भाई मेन गेट कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया पूरा। और दोस्तों चलिए मैं यहाँ से लेके चलता हूँ आप लोगों को, फटाफट आगे लेके चल के दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हो भाई, और देखिए लाइटें वहाँ आगे से लगना स्टार्ट हुई हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पूरा लाइटें सजाई गई हैं, वो आगे देख से तो पूरा लाइटें लगी हुई हैं। तो चलिए यहाँ से लेके चलता हूँ मैं भाई आप लोगों को पंडाल के सामने, पंडाल का सामने का पूरा फुल डेकोरेशन दिखाता हूँ जैसा कि देख सकते हो भाई। चलिए फटाफट चलता हूँ पंडाल के सामने मैं यहाँ से। ये देखिए भाई, और ये जब रात में लाइटें चालू होती भाई बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि देख सकते हो पूरा फुल लाइटिंग लगाई गई है। ये देखिए पीछे में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं पंडाल के सामने, और पंडाल के सामने ले चल के आपको वहाँ का सारा सब कुछ दिखाता हूँ। और देखिए चिंच पोकली चार राजा की मूर्ति हल्का हल्का ऊपर से दिख रही है, जो कि देख सकते हो भाई। और ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ, ये साइड भी देख सकते हो पूरा। ये देखिए सामने पंडाल आप लोगों के, और देखिए अभी भी यहाँ पे डेकोरेशन पूरा चालू ही है। ये साइड में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए भाई फाइनली पहुंच चुका हूं मैं पंडाल के सामने। देखिए भाई ये देखिए, वाह, यहां से मैं आप लोगों को दिखाता हूं भाई। देखिए देखिए इसी जो प्लास्टिक लगी हुई है इसी के पीछे है चिंच पोकली चार राजा की मूर्ति, जैसा कि हल्का हल्का उनका मुकुट आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, जैसा कि देख सकते हो वहाँ पे। ये देखिए भाई, और अभी भी पूरा डेकोरेशन करना बाकी है भाई, जो कि साइड से आप लोगों को ये साइड दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा इस साइड से भी। ये देखिए भाई, ये देखिए फुल डेकोरेशन हो जाएगा तो मैं भाई यहाँ का एक और वीडियो बनाऊँगा। और ये साइड भी देख सकते हो भाई, पूरा सजाया जा रहा है चिंच पोकली चार राजा का, किस तरह से पूरा पंडाल। देखिए भाई अभी काम पूरा चल ही रहा है, ये साइड भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए पूरा काम चल ही रहा है, और फुल जब डेकोरेशन यहाँ पर हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर लेके आऊँगा। ये देखिए भाई फुल लाइट वगैरह सारा सब कुछ अभी यहाँ पर काम चल ही रहा है। और दोस्तों देख सकते हो अभी पूरा यहाँ पर काम चल ही रहा है चिंच पोकली चार राजा के पंडाल का। ये देखिए भाई, देखिए पूरा अभी काम चल ही रहा है। देखिए चिंच पोकली चार राजा का यहाँ पे मुकुट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ये देखिए भाई, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पूरा काम अभी चल ही रहा है, क्योंकि 7 तारीख को स्थापना है तो भाई काम जोरों शोरों से चालू है। ये देखिए भाई, ये साइड में देख सकते हो पूरा मूर्तियाँ ऊपर कितना खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को बनाया जा रहा है, चिंच पोकली चार राजा का पंडाल। वाह, देखिए अभी भी गाड़ी, जिस गाड़ी में चिंच पोकली चार राजा को लाया गया है वो गाड़ी भी अभी नीचे ही है। सो है दोस्तों, आप लोगों को चिंच पोकली चार चिंतामणि चार राजा का यह पंडाल डेकोरेशन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। मिलता है सबको न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम गणपति बप्पा मौर्या।